बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैरासाइट। इस कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाते हैं जिसमें चार सदस्य हैं, की टाक, उसकी बीवी चुंगसू, उसकी बेटी की जंग और बेटा की वू। ये सब के सब एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं और इन्हें हर रोज की जिंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इनकी माली हालत बहुत ही खराब है। ये सब पिज्जा के डिब्बे बनाते हैं लेकिन जिंदगी जीने के लिए, घर चलाने के लिए सिर्फ इस काम से गुजारा नहीं हो सकता। अब एक दिन कीवू का दोस्त उसके घर पर आता है जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता है और वो उसे एक पत्थर देता है। वो कहता है कि ये मेरे दादा ने तुम्हारे लिए दिया है। कोरिया में इस पत्थर को बहुत शुभ माना जाता है। जिसके पास भी ये पत्थर होता है उसके पास धन संपत्ति आती है। कीवू अपने दोस्त को बताता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसका दोस्त बोलता है कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ और जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तुम उसे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा देना। कीवू कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, वो मुझे काम क्यों देंगे। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा और तुम अपनी बहन से बोलना कि वो तुम्हारे लिए एक नकली डिग्री बना देगी। और उसकी बहन ऐसे ही करती है, वो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नकली डिग्री बना देती है क्योंकि उसकी जो बहन होती है वो बहुत ही आर्टिस्टिक होती है। और इसके बाद कीवू उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है। ये एक बहुत ही आलीशान घर होता है और इस घर में जो फैमिली रहती है उसका नाम है पार्क फैमिली। इनकी फैमिली में चार लोग होते हैं, मियां बीवी और इनके दो बच्चे। इनका एक छोटा बेटा होता है और बड़ी बेटी जिसका नाम दा हाई होता है और इसी को कीवू को ट्यूशन पढ़ाना है। अब यहाँ इसी घर में एक लेडी भी काम करती है जिसका नाम होता है गुकमून और वो इस पूरे घर का ध्यान रखती है और यहाँ पर वो काफी समय से काम कर रही है। अब कीवू जब दहाई को एक ट्रायल क्लास देता है तो उसकी मॉम भी उस ट्रायल क्लास में उसके साथ बैठती है और उसे कीवू का काम बहुत पसंद आता है और वो कीवू को ये क्लास दे देती है। अब जब वो कीवू से बात करती है तो कीवू को ये पता चलता है कि जो उनका छोटा बेटा है जिसका नाम द सॉन्ग है उसे पेंटिंग का बहुत शौक है और उन्होंने उसके लिए काफी सारे पेंटिंग टीचर्स को हायर भी किया था लेकिन कोई भी एक महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। तभी कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना अपनी बहन को उसका टीचर बना दिया जाए क्योंकि उसकी बहन के अंदर आर्टिस्टिक कला होती है। और वो द सॉन्ग की मॉम को कहता है कि मेरी एक कजन है जिसके क्लासमेट है जो कि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और वो शिकागो से है, अगर आप चाहें तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। द सॉन्ग की मॉम इस बात के लिए राजी हो जाती है और वो अगले दिन अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है। वो उसका असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि अगर उसने उसका असली नाम बता दिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों भाई बहन हैं। और अब की जंग जेसिका बनके उस घर में द सॉन्ग की आर्ट टीचर बन जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और बड़ी चलाकी के साथ वो उन्हें पूरी तरह से इम्प्रेस कर लेती है। और इसके बाद ये दोनों भाई उसी घर में इन दोनों भाई बहनों के टीचर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। आज यहाँ पे जेसिका की पहली क्लास होती है और अब यहाँ पे डोंग एक यानी कि इस घर के मालिक और द सॉन्ग के पिता भी आ जाते हैं। वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम जेसिका को उसके घर छोड़ाओ और ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो जेसिका को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो चुका है। लेकिन जेसिका यानी कि ई जंग बोलती है कि मुझे आप मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दें और वो उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ देता है। लेकिन जब जेसिका उसकी गाड़ी में पीछे बैठी होती है तो वो जानबूझकर अपनी पैंटीज उतारकर वही गाड़ी में छोड़कर चली जाती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके ओनर को शक हो कि मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी में कुकर्म करता है। और होता भी ऐसी है, उसके मालिक को जब वो पैंटीज मिलती है तो वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि शायद हमारे बेटे की आर्ट टीचर जेसिका और ड्राइवर के बीच में कुछ चल रहा है। और जब उसकी बीवी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब उसका ड्राइवर उसे छोड़ने गया था तो जेसिका उसे बताती है कि उस रात को उसने मुझे घर छोड़ने के लिए ऑफर किया था लेकिन मैं मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। इस बात से चोयोन यानी कि घर की मालकिन काफी सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जेसिका को जाने के लिए कहती है और इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ने ये पूरा षड्यंत्र इसलिए रचा था ताकि वो ड्राइवर को निकाल दे और वो अपने पिता को ये नौकरी दिलवा दे। और वो ऐसा ही करती है, वो उन्हें सजेस्ट करती है कि मेरे पिता के भाई का ड्राइवर था जिसका नाम किम था, वो बहुत पुराना और बहुत अच्छा ड्राइवर है। और इसके बाद वो अपने पिता को अपने पिता के भाई के ड्राइवर के रूप में इस फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाती है और ये नौकरी उसके पिता को मिल जाती है। अब पिता बेटा बेटी ये तीनों के तीनों एक ही घर में नौकरी करते हैं लेकिन बिल्कुल अनजान बनके। इस घर के मालकिन को मालिक को ये नहीं पता होता कि ये तीनों एक परिवार है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जब कीवू दहाई को ट्यूशन पढ़ाता है तो इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है।
अब की वू और की जंग किसी भी तरह से अपनी मॉम को इस घर में काम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम दिलवाने के लिए इन्हें इस घर में जो काम करती है, जो केयरटेकर है, उसे निकलवाना पड़ेगा, और उसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए ये एक प्लान बनाते हैं। दरअसल जो पीच होता है, जो आड़ू होता है, उसके चारों तरफ एक सफेद रंग की परत होती है, और उस परत को किसी के ऊपर डालने से उसे एलर्जी हो जाती है। और कीवू आड़ू के उस व्हाइट कलर के पाउडर को उस वक्त उस लेडी के ऊपर डाल देता है जब वो कुत्तों के साथ खेल रही होती है, और जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जब वो हॉस्पिटल में होती है तो कीवू के पिता भी वहां पर होते हैं, और वो अपने साथ साथ उसकी फोटो भी खींच लेते हैं। और जब वो अपनी मालकिन के साथ उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मैंने इसे एक हॉस्पिटल में देखा था, और मैं जब अपनी पत्नी के लिए सेल्फी ले रहा था तो ये भी फ्रेम में आ गई। हालांकि मैं उनकी बातें सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतनी जोर से बोल रही थी कि मुझे उनकी बातें सुनाई दे गई। दरअसल उन्हें टीवी है, लेकिन उसकी मालकिन उस पर विश्वास नहीं करती। और जब वो घर पहुंचने वाले होते हैं तो वो अपनी बेटी को एक मैसेज कर देता है कि हम 3 मिनट में आने वाले हैं। और इससे पहले कि वो घर पहुंचती, उसकी बेटी की जुंग दोबारा से आड़ू की परत का पाउडर उस लेडी के ऊपर डाल देती है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और वो दोबारा खांसना शुरू कर देती है, और वो एक टिश्यू पेपर खांसते खांसते एक डस्टबिन में डाल देती है। और अब ड्राइवर उस डस्टबिन की तरफ जाता है जहां पर उसने टिश्यू पेपर फेंका होता है, और वो टिश्यू पेपर के ऊपर सॉस गिरा देता है, और उस टिश्यू पेपर को वो अपनी मालकिन को दिखाता है। उसे लगता है कि वो खून है, और मेरा ड्राइवर जो कह रहा था वो बात सच है, यानी कि इसे टीवी है। घर की मालकिन अपने ड्राइवर किम को बोलती है कि इस बात को अपने मालिक को कभी मत बताना, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं एक टीवी के मरीज से घर का खाना बनवा रही थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। और इसके बाद वो उस औरत को नौकरी से निकाल देती है। और की टेक यानी कि किम जो इनके घर का ड्राइवर है, वो बड़ी चलाकी से अपनी पत्नी को इनके घर में एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, और उसे नौकरी मिल जाती है। और अब ये पूरा परिवार एक परिवार के लिए काम करता है, और इस परिवार को ये नहीं पता कि ये जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो पूरा एक परिवार है, क्योंकि इन सब के नाम बदले हुए हैं। कुछ वक्त पहले जहां इन लोगों के पास एक भी काम नहीं था, ये पिज्जा के डिब्बे बनाते थे, अब ये एक शानदार आलीशान घर में काम करते हैं जहां पर इन्हें अच्छे पैसे, अच्छा खाना मिलता है, और जिस परिवार के लिए काम करते हैं ये परिवार भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पार्क परिवार के छोटे बेटे द सॉन्ग का बर्थडे होता है, और ये पूरा परिवार उसके बर्थडे के लिए कैंपिंग के लिए जाना चाहता है, और ये सब के सब कैंपिंग करने के लिए चले जाते हैं, और घर पर कोई नहीं होता, और इसीलिए की टेक, चुंगसू, की जंग, की वू, ये पूरा परिवार पार्क परिवार के घर में आलीशान पार्टी करता है। ये वहां पर खाते पीते मस्ती कर रहे होते हैं, तभी इनकी डोरबेल बजती है, और जब ये कैमरे से बाहर देखते हैं तो वहां पर वो औरत खड़ी होती है जो यहाँ पर पहले काम करती थी, जिसे इन्होंने टीवी के बहाने यहाँ से निकलवा दिया होता है। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है, और वो सामान लेना चाहती है। अब चुंगसू जो यहाँ पर उसकी जगह काम करती है, वो उसे अंदर आने देती है, और वो नीचे बेसमेंट पे चली जाती है, लेकिन बहुत देर तक वो ऊपर नहीं आती। और जब चुंगसू नीचे जाकर देखती है तो वो एक सेल्फ को धक्का दे रही होती है जो उससे हिल नहीं रहा होता। दरअसल उसके नीचे एक प्लेट फंस गई होती है, और जब चुंगसू उसे निकालती है तो वो सेल्फ पूरा का पूरा खिसक जाता है, और वहां से एक नया रास्ता निकलता है जो नीचे तहखाने की तरफ जा रहा होता है। और वो लेडी जो यहाँ पर काम करती थी वो नीचे की तरफ भागती है, और जब वो नीचे जाती है तो वहां पर एक आदमी होता है, ये उसका पति होता है जिसको उसने यहाँ पर छुपाया होता है, और उसे यहाँ पर आज 4 साल 3 महीनों से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इस बारे में पार्क फैमिली को नहीं पता होता। दरअसल जो पिछले ओनर थे जिन्होंने ये घर पार्क फैमिली को बेचा था, उन्होंने इस गुप्त जगह के बारे में उन्हें नहीं बताया होता, लेकिन ये लेडी यहाँ पर पहले से काम करती थी इसीलिए उसे इस जगह का पता होता है। और वो अपने पति को यहाँ पर इसलिए छुपा दिए क्योंकि उसने कुछ लोन लिया होता है जो वो चुका नहीं पाता, और लोन वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, और अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो वो लोग इसे मार देंगे, इसीलिए वो पिछले कई सालों से यहाँ पर होता है। अब वो औरत जिसने अपने पति को यहाँ पर छुपाया होता है, जो पहले यहाँ पर काम किया करती थी, वो चुंगसू को बोलती है कि तुम हफ्ते में एक बार मेरे पति को खाना दे देना, यहाँ पर एक फ्रिज भी है, और इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। लेकिन चुंगसू उसकी बात नहीं मानती, वो कहती कि मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, और जब वो पुलिस को फोन कर रही होती है तो वो उसके आगे गिड़गिड़ाती है। अब
चुंगसुक का जो पूरा परिवार होता है, उसका बेटा, बेटी और उसके पति, वो तीनों सीढ़ियों से ये पूरी बातें सुन रहे होते हैं। तभी किसी का पैर फिसलता है और वो तीनों के तीनों सामने आकर गिर जाते हैं। और वो मेड जो पहले यहाँ पर काम किया करती थी, वो इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। और जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी उनका बेटा कीवू बोलता है कि पापा मेरा पैर, और ये बात भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। और वो समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा परिवार है और इन्होंने जालसाजी करके यहाँ पर काम हासिल किया है। और वो कहते कि अब मैं इस वीडियो को इस घर की मालकिन को सेंड कर दूंगी। लेकिन चुंगसुक उससे विनती करती है कि प्लीज ऐसा मत करना। बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। पहले जहां पर वो औरत विनती कर रही थी, अब चुंगसुक को उससे विनती करनी पड़ती है। और वो औरत अपने पति को ऊपर लेकर आ जाती है और इन चारों को बोलती है कि हाथ ऊपर खड़े करके खड़े हो जाओ। और वो चारों खड़े हो जाते हैं और वो इनका वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल का भी वीडियो बना लेती है जहां पर ये पार्टी कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर खाने पीने का सामान होता है। अब इसी दौरान ये चारों के चारों इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इनका मोबाइल छीन कर उससे वीडियो डिलीट कर देते हैं। अब जब इनके बीच में आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही होती है, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और चुंगसुक जब टेलीफोन उठाती है तो ये इस घर की मालकिन का फोन होता है। वो कहते हैं कि हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और अगले 8 मिनट में हम घर पहुंचने वाले हैं। और वो उसे कुछ खाना बनाने के लिए कहती है और 8 मिनट में इन्हें पूरी सफाई करनी होगी। और जब वो फोन पे बातें कर रही होती है तो की टेक, की जंग और की वू ने उन दोनों का मुंह बंद कर रखा होता है। और इसके बाद ये उन दोनों को नीचे तहखाने में दोबारा बांध कर ऊपर आ जाते हैं और पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगले 8 मिनट में ये पूरा परिवार वापिस आने वाला है। और होता भी ऐसी है, अगले 8 मिनट में पूरा परिवार घर पर आ जाता है। लेकिन तब तक ये पूरा घर मैनेज कर देते हैं और इनके जो परिवार वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और पार्क परिवार को पता ही नहीं चलता कि उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका होता है। अब सभी खाना खाते हैं और खाने के दौरान इस घर की मालकिन चुंगसुक को बताती है कि एक बर्थडे के दिन जब रात को हम सब सो गए थे तो हमारा बेटा द सॉन्ग केक खाने के लिए उठा और जब वो रात को केक खा रहा था तो उसने एक भूत को देखा। दरअसल वो भूत नहीं होता बल्कि वो पुरानी मेड का पति होता है जो बेसमेंट से ऊपर खाना खाने के लिए आया होता है और इन लोगों को लगता है कि वो कोई भूत था। अब यहाँ पर रात को बारिश भी होती है और द सॉन्ग अपना टेंट लेकर बाहर चला जाता है। वो कहता है कि आज मैं यहीं पर सोऊंगा और वो पार्क में गार्डन में अपना टेंट लगाकर बैठा रहता है। इसी वजह से द सॉन्ग के मम्मी और पापा को हॉल में सोना पड़ता है ताकि वो वहां से उसे रात भर देखते रहें। और जब वो रात को उस सोफे के ऊपर लेटकर बातें कर रहे होते हैं तो कीटे, की जंग और की वू उसी सोफे के नीचे छुपे हुए होते हैं। डोंग एक अपनी पत्नी चोई यन से बोलता है कि हमारा जो ड्राइवर है उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आती है जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है और वो सच कह रहा होता है। दरअसल जिस घर में, जिस बेसमेंट में ये रहते हैं वहां बहुत गंदगी होती है क्योंकि वहां सीलन होती है और वहां पर लोग आसपास टॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके पूरे परिवार के कपड़ों से, बदन से एक अजीब सी महक आती है। और जब वो अपनी पत्नी को ये बातें बता रहे होते हैं तो उनका पूरा परिवार इस बात को सुन रहा होता है और उन्हें इस बात का बुरा भी लगता है। दरअसल पहले भी द सॉन्ग ने एक बार ये बोला होता है कि जैसी महक मेरे टीचर के बदन से आती है वैसी हमारे ड्राइवर और हमारी मेड के बदन से भी आती है। और इसके बाद ये सब अपना अपना डीओ, साबुन सब बदल देते हैं ताकि इनके शरीर से ऐसी बदबू ना आए। लेकिन वो बदबू उनके शरीर की नहीं बल्कि उस वातावरण की होती है, उस घर की होती है जहां पर ये रहते हैं। अब रात को जब इस घर के मालिक और मालकिन सो जाते हैं तो ये तीनों की तीनों वहां से निकल जाते हैं और अपने घर, अपने बेसमेंट में पहुंचते हैं। आज रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जब भी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनका पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका होता है क्योंकि घर की खिड़की खुली रह गई थी और अब ये वहां नहीं रह सकते। और ये सब के सब एक जगह जाते हैं जहां पर और भी कई सारे लोग होते हैं और ये पूरी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह की जंग को द सॉन्ग की मॉम चोई योन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि आज दिन में हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी है और अगर आप उसमें आएंगी तो हमारे बेटे को बहुत खुशी होगी क्योंकि आप उसकी टीचर हैं। और साथ ही साथ वो अपनी बेटी की टीचर की वू को भी बुला लेती है। इसके बाद वो एक सुपर बाजार में अपने ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है क्योंकि उसे पार्टी की तैयारी करनी है। और जब वो वापिस आ रही होती है और उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो उसके शरीर से बहुत बुरी महक आ रही होती है
और वो अपना नाक बंद कर लेती है। इस बात से उसके ड्राइवर केविन को बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसके साथ इस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। हालांकि उसकी मालकिन भी बहुत अच्छी इंसान होती, वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसे करना पड़ता है। और अब पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी के दौरान कीवू जब अपने स्टूडेंट दहाई के साथ ऊपर होता है, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो उसे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इनमें से एक हैं? वो हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन वो जानता है कि हम इनमें से एक नहीं हैं। और बेसमेंट में जो लोग हैं, अगर वो ऊपर आ गए तो इनकी पोल खुल जाएगी और इसके बाद इन सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इनके परिवार की वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। इसके बाद वो कुछ सोचता है और अपने बैग से वो पत्थर निकालता है जो उसके दोस्त ने उसे एब्रॉड जाने से पहले दिया था, जो मान्यताओं के हिसाब से एक शुभ पत्थर होता है। और वो उस पत्थर को लेके नीचे बेसमेंट में तहखाने में जाता है, जहां पर वो पुरानी मेड और उसका पति होता है। लेकिन पुरानी मेड एक रात पहले ही मर चुकी होती है, क्योंकि एक रात पहले जब इस घर के मालिक और मालकिन आए होते हैं और ये पुरानी मेड को नीचे ले जा रहे होते हैं, तो किसी तरह से उनसे छूटकर भाग जाती है। और जब वो सीढ़ियों से ऊपर भागकर अपने मालिक तक पहुंचना चाहती थी, तो चुंगसुक उसे एक लात मारती है, जो अब उसकी जगह इस घर में काम करती है, और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है और इस वजह से उसकी एक रात पहले ही जान चली जाती है। हालांकि ये बात इस परिवार को नहीं पता होती, क्योंकि वो इन दोनों को छोड़कर यहां से निकल चुके होते हैं। अब जबकि वो नीचे बेसमेंट में पहुंचता है और पत्थर उसके हाथ में होता है, तो पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो चुपके से नीचे जाता है और पत्थर उठा लेता है। अब वो किसी भी तरह से इन दोनों को मारना चाहता है, क्योंकि अगर वो इन दोनों को मार देगा तो इनका राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा और वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो पुरानी मेड का जो पति होता है, उसने अपने आप को खोल लिया होता है और वो कीवू के गले में फंदा डालकर उसे घसीटता हुआ आगे ले जाता है और फंदे को एक जगह अटका देता है। इसके बाद वो उस पत्थर को उठाता है जिस पत्थर से कीवू उसे मारने के लिए आया होता है, पर इससे पहले कि वो कीवू को पत्थर से मारता, वो वहां से भाग जाता है और जैसे वो बेसमेंट से बाहर निकलता है, वो गिर जाता है और वहां पर वो पहुंच जाता है और उसी पत्थर से उसके सिर पर कई बार मारता है और उसे पूरी तरह से घायल करके वहां से आगे निकल जाता है। अब वो वहां पहुंच जाता है जहां पर पार्टी चल रही होती है और वो देखता है कि की जंग केक लेकर द सॉन्ग की ओर बढ़ रही होती है और वो की जंग को पहचान लेता है और वो चाकू से उसके सीने पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। की जंग के पिता उसके घाव को दबाते हैं ताकि खून रुकना बंद हो जाए, लेकिन घाव बहुत गहरा होता है, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अब जब की जंग की माँ देखती है कि उसकी बेटी को इस आदमी ने जख्मी कर दिया है, तो वो उसकी तरफ भागती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में चुंगसू ग्यून को, यानी कि उस आदमी को जिसने उसकी बेटी को जख्मी किया होता है, उसे मार देती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर पार्क होते हैं, यानी कि जो इस घर के मालिक होते हैं, वो गाड़ी की चाबी उठाना चाहते हैं और चाबी ग्यून के नीचे दबी होती है, जो अब मर चुका है। और जब वो चाबी उठाते हैं, तो उसके शरीर से बहुत बदबू आती है और मिस्टर पार्क अपना नाक बंद कर लेते हैं। और जब कीटी, जो कि उनका ड्राइवर है, उन्हें अपना नाक बंद करते हुए देखता है, तो उसके चेहरे के भाव बदलना शुरू हो जाते हैं। पहले जहाँ वो उन्हें हैरानी से देख रहा होता है, अब उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और वो उठता है और चाकू उठाकर उन्हें मार देता है। कीटीक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उससे चाबी मांग रहे होते हैं ताकि गाड़ी से वो अपने बेटे द सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जा सके, जो कि मात्र बेहोश हुआ होता है। और वहीं पे कीटीक की बेटी मर रही होती है, जिसके बारे में वो जरा सा भी नहीं सोच रहे होते, इसीलिए वो उन्हें हैरानी से देखता है। और जब वो अपनी पुरानी मेड के पति की बॉडी के नीचे से चाबी निकालते हैं और उसकी बॉडी से बदबू आती है, तो वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। इस बात से कीटीक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बॉडी से भी ऐसी बदबू आती थी जिसके बारे में कई बार उन्होंने डिस्कशन किया होता है। और वो इस बात से अपने आप को रिलेट कर लेता है, क्योंकि वो और उसका परिवार कई सालों से बेसमेंट में रह रहा होता है, जिस तरह से ये आदमी रह रहा होता है, जिसको देखकर मिस्टर पार्क अपनी नाक बंद कर लेते हैं, इसीलिए उसे गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस आदमी से रिलेट कर लेता है। उसे ये एहसास होता है कि ये हम जैसे लोगों को हीन भावना से देखते हैं, इसीलिए वो चाकू से उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद कीटीक का कुछ पता नहीं चलता। इस पूरी घटना में कीजुंग, जो कीटीक की बेटी होती है, वो मर चुकी होती है, लेकिन उसका बेटा बच जाता है, पर उसके सिर पर गहरी चोट आई होती है, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल जाता है। इसके बाद इन दोनों माँ बेटों पर कोर्ट केस भी चलाता है, धोखे और जालसाजी का, लेकिन कोर्ट इन्हें कुछ हिदायतें देकर छोड़ देता है। वहीं जिस घर में ये पूरा हादसा हुआ होता है,
उस घर को बेच दिया जाता है और इस घर को अब एक जर्मन फैमिली खरीद लेती है। उनको इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और इस घर के बेसमेंट में आज भी कीटिक है। दरअसल वो मिस्टर पार्क को मारने के बाद बेसमेंट में तहखाने में बंकर में छुप जाता है और इस बंकर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, इसीलिए आज भी वो यहाँ पर छुपा होता है और वो लाइट के ऑन ऑफ के जरिए यानी कि मोर्स कोड के जरिए अपने बेटे को या किसी को संदेश देना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ताकि किसी को पता चल सके कि आज भी मैं जिंदा हूँ। मोर्स कोड एक तरह की कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नल वाली भाषा होती है जिसके जरिए हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। और कीटिक जो कि बेसमेंट में होता है, वहां पर एक बल्ब का स्विच होता है और वो उस बल्ब को अलग अलग टाइमिंग के साथ जला बुझाकर मोर्स कोड के सिग्नल भेजता है, जिसे उसका बेटा दूर दूरबीन से देखता है और वो उन कोड्स को डिकोड करके ये पता कर लेता है कि आज भी उसके पिता उसी बेसमेंट में हैं, वो वहीं छुपे हुए और जिंदा हैं। इन्हें मोर्स कोड के बारे में इसलिए भी पता होता है कि इनसे पहले जो आदमी यहाँ पर 4 सालों से भी ज्यादा रहा था वो भी इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके कोड्स किसी ने भी कभी डिकोड नहीं किए। इसीलिए कि टीक मोर्स कोड का इस्तेमाल करके अपने परिवार को, अपने बेटे को ये बताना चाहता है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि इससे पहले जो बेसमेंट में था वो मोर्स कोड का इस्तेमाल करता था। कीटिक जिंदा रहने के लिए इस घर में जो नई फैमिली आई होती है वो रात को उनका खाना चुरा कर खा लेता है। साथ ही साथ उसे इस बात का भी पछतावा होता है कि उसने मिस्टर पार्कर को मारा। वो उनकी फोटो के आगे उनसे माफी मांगता है। इसके बाद कीटिक के बेटे की वो की आवाज आती है। वो बोलता है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और उस दिन मैं इस घर को खरीद लूंगा और फिर तुम सीढ़ियों से चलकर ऊपर आना, हम वहां पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। और ऐसे ही होता है। एक दिन वो उस घर को खरीद लेता है और कीटिक उस तहखाने से, उस बंकर से बेखौफ ऊपर आता है और अपने परिवार से गले मिलता है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ कीवू की एक सोच होती है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। कीवू और उसकी माँ आज भी उसी बेसमेंट में रहते हैं जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सोशल इनइक्वालिटी के बारे में है, जहाँ पर दो अलग अलग तबकों को दिखाया गया है और उन दोनों का नेचर भी दिखाया गया है। जो एक अमीर तबका होता है, भले वो कितने अच्छे हो, लेकिन वो अपने नीचे वालों की जिंदगी की, उनकी चाहतों की इम्पोर्टेंस को कभी नहीं समझ पाते। वहीं जो निचला तबका होता है, उन्हें भले कोई कितना भी प्यार दे दे, लेकिन वो अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जिसके चलते इस फिल्म में ये पूरा ड्रामा क्रिएट होता है। ये फिल्म 2019 में बनी थी और 2020 में इस पिक्चर को बेस्ट फॉरेन पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म, ये कहानी पसंद आई।